What is the pretty people on this side and you're watching Strokes Beard दोस्तों so, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Snapchat में जो emojis आते हैं आपके फ्रेंड के नाम के सामने आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो इमोजीज आते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। वो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी और ये भी, ऐसे कोई भी इमोजीज जो है आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बैठी है गाड़ी में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो इमोजीज है वो आपको चेंज भी करते आते हैं आपको स्नैपचैट में जाके, स्नैपचैट के सेटिंग में जाके, और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। कभी कभी आप देख सकते हैं कि आपके दोस्त के सामने जो है डबल हार्ट का एक इमोजी आ सकता है। तो डबल हार्ट का इमोजी जब आएगा तो उसका मीनिंग ये है कि 2 महीने से ज्यादा या 2 महीने तक जो है आपने आपके साथ आपका उस फ्रेंड के साथ स्पेशल बॉन्ड रहा है। आप उनको डीएम्स करते हैं, आप उनको मैसेजेस करते हैं, आपकी बहुत सारी चैटिंग होती है, और आप कभी कभी स्नैप उनके उनको जो स्नैप भेजते हैं वो बाकी किसी को नहीं भेजते। मतलब आपने एक स्पेशल स्नैप उनको भेजा है, बाकी वो स्नैप आप किसी को भी नहीं भेजा है। तो ये जो डबल हार्ट वाला सिंबल है वो तभी आता है, और इसको जो है हम चेंज भी कर सकते हैं, और इसका नाम है सुपर BFF, मतलब सुपर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले इमोजी की तरफ। तो अगला इमोजी ये है जिसमें एक रेड हार्ट आ सकता है बड़ा वाला, तो उसका नाम है BFF। तो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर का वो जो सिंबल है तो उसका जो मीनिंग है वो आप 2 वीक्स से ज्यादा किसी के साथ बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, मतलब किसी को आप कंटिन्यू स्नैप भेजे जा रहे हैं और उनके साथ कंटिन्यू चैटिंग की जा रही है आपकी, तो वो जो है रेड वाला हार्ट वो आ सकता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली इमोजी की तरफ। तो अगला इमोजी आ सकता है कि येलो कलर का हार्ट आ सकता है एक बड़ा वाला, तो उसका जो मीनिंग है, तो एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज मैं और आप एक फ्रेंड है स्नैपचैट पे, तो दोस्तों मैं किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करता और आप भी किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करते, तो हम दोनों सिर्फ है बात करते हैं, तो दोस्तों हम दोनों के बीच में जो है वो येलो कलर का हार्ट आ जाएगा। दोस्तों जब भी किसी फ्रेंड के नाम के सामने हार्ट आता है तो उसका मीनिंग ये है कि आप उनके साथ कोई स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं जो बाकी किसी के साथ आप शेयर नहीं करते। मतलब पूरे जो स्नैपचैट पे है, स्नैपचैट पे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा आप उनके साथ बात करते हैं, आप उनके साथ कंटिन्यू चैटिंग करते हैं और उनको अलग से जो है आप स्नैप भेजते हैं, वो जो किसी को आप नहीं भेजते। दोस्तों बढ़ते अगली इमोजी की तरफ। तो में एक इमोजी आता है जिसपे जिसके गाल पे यहाँ पे लाल लाल हुआ रहता है, तो दोस्तों वो जो इमोजी है वो लाना सबसे आसान है, क्योंकि आप अगर आप किसी को सिंपल स्नैप भी भेज रहे हो, कंटिन्यू आप स्नैप भेज रहे हो और वो आपका स्नैप देख रहा है और आप उनके स्नैप कंटिन्यू देखे जा रहे हो, तो भी ये सिंबल आ जाता है, क्योंकि ये सबसे सिंबल सबसे नॉर्मल सिंबल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली इमोजी की तरफ, जो इमोजी जिसका नाम है म्यूचुअल बेस्टीज, जो ऐसा दांत निकल। तो ये जो इमोजी है ये कब आता है, तो दोस्तों अब बराबर ध्यान से सुन लीजिए। जब जब कभी आप किसी के साथ अपना जो बेस्ट फ्रेंड है वो शेयर करते हैं, मतलब आपका अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो किसी और का भी बेस्ट फ्रेंड है, तभी उसके नाम के सामने जो है वो सिंबल आ जाता है। दोस्तों अगर स्नैपचैट पे आप किसी सिर्फ एक आदमी के साथ या किसी किसी के भी साथ आप अगर बात कर रहे हो, तो दोस्तों अगर आप सिर्फ उनके साथ स्नैपचैट पे बात कर रहे हो, आप किसी के साथ नहीं बात कर रहे हो, और दूसरे किसी के नाम के सामने अगर ये वाला सिंबल आता है दांत निकल के, वो वाला इमोजी है वो अगर आता है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि वो दोनों जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स है। अगली इमोजी की तरफ। तो अगला इमोजी आ सकता है कि काला चश्मा पहन के एक इमोजी आ सकता है आपके फ्रेंड के नाम के सामने। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आप मैंने जो पहले ये वाला जो इमोजी है और ये वाला इमोजी है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए। ये इमोजी क्यों आता है, क्योंकि आप के बेस्ट फ्रेंड के साथ आप दूसरा बेस्ट फ्रेंड शेयर कर रहे हैं, मतलब आप दोनों का जो बेस्ट फ्रेंड है वो सेम है, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि पहला जो इमोजी था ये वाला और ये वाला जो अभी वाला इमोजी है, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? तो दोस्तों डिफरेंस है, आप इनको एक जैसा नहीं समझ सकते, क्योंकि ये जो इमोजी है, ये इमोजी क्यों आता है, क्योंकि आपका #1, मतलब आपके कई बेस्ट फ्रेंड रह सकते हैं स्नैपचैट पे। अगर आप 10 लोगों को स्नैप भेज रहे हो और उसमें से आपको 4 आपको बेस्ट फ्रेंड है, और उसमें से भी जो मेन बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज्यादा आप जिसके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो उनको आपने किसी के साथ शेयर किया है, मतलब उनका अगर अच्छा बॉन्ड है, तो ये वाला इमोजी आएगा। और अगर आपके जो 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप थोड़ी बहुत इंटरेक्शन कर लेते हैं, तो अगर उनके साथ अगर किसी का और का जो अच्छा इंटरेक्शन होगा, तो ये वाला इमोजी उनके सामने आएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली इमोजी की तरफ। तो अगला इमोजी है सबका प्यारा दुलारा ये। तो ये जो है फायर वाला इमोजी तब आता है जब कोई स्ट्रिक बना लेता है
100 की या 200 की जो भी हो आंगा आपका। तो आजकल जो लोग है वो स्नैप इसी के लिए भेज रहे हैं ताकि आप स्ट्रिक बना सके लोगों के साथ। और जो दोस्तों ये जो इमोजीज है वो आपको चेंज करते आते हैं, तो मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वीडियोज हम लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक, और तब तक के लिए बाय।